before starting, I will recommend you to switch to 1.25x or 1.5x speed if you think the video is too slow. टाइपोग्राफी के जो दो स्टार्टिंग टर्म्स में वो है फॉन्ट एंड टाइपफेस। सो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो फॉन्ट या फिर टाइपफेस हैंडराइटिंग की तरह होता है, लाइक हर पर्सन की एक अलग हैंडराइटिंग होती है, तो हम ये बोल सकते हैं वो उसका टाइपफेस है। माय हैंडराइटिंग इज माय टाइपफेस। पर्सन वन विल हैव डिफरेंट हैंडराइटिंग, पर्सन टू विल हैव डिफरेंट हैंडराइटिंग, तो वो उन सबका टाइपफेस है। एंड हियर आई हैव सम टाइपफेसेस, लाइक ये पर्सन वन की हैंडराइटिंग है, पर्सन टू की, पर्सन थ्री की एंड पर्सन फोर की, लाइक बहुत डिफरेंट है ये। एंड ईयर इसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम ये फॉन्ट है, लाइक हम इनको ऐसे फॉन्ट रेफर करते हैं, लाइक कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉन्ट पेयर करना चाहिए। ये एक्चुअल में फॉन्ट नहीं होता, वो टाइप फेस होता है। फॉन्ट होता है किसी एक टाइप फेस का वेट, लाइक अगर हम रोबोटो पिक करें तो इसकी जो थिकनेस है, लाइक रोबोटो लाइट, रोबोटो रेगुलर, रोबोटो मीडियम या फिर रोबोटो एक्स्ट्रा बोल्ड, लाइक जैसे हैंड राइटिंग में होता है ना, अगर थोड़ा प्रेस करके लिखेंगे तो थोड़ा बोल्ड आएगा, थोड़ा लाइट वेट से लिखेंगे तो लाइट राइटिंग आती है आपकी। फॉन्ट होता है वो किसी भी टाइप फेस के अलग अलग वेट्स के कॉम्बिनेशन को फॉन्ट बोलते हैं, टाइप फेस नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई बट डिजाइन इंडस्ट्री में हम टाइप फेस की जगह फॉन्ट यूज करते हैं, बट द करेक्ट टर्म इज टाइप फेस। द नेक्स्ट थिंग इज फॉन्ट कैटेगरी और टाइप फेस कैटेगरी। अगेन ये फॉन्ट या फिर टाइप फेस नहीं है, ये फॉन्ट कैटेगरीज हैं। लाइक जैसे हैंडराइटिंग में होता है कर्सिव हैंडराइटिंग, तो वो एक हैंडराइटिंग स्टाइल है, तो इसी तरह इसमें कैटेगरीज होती हैं। लाइक शेरिफ में देखेंगे ना तो इसका स्टाइल बहुत अलग है, इसमें पिन पॉइंट्स निकले हुए हैं ऐसे इस तरह से, इसको हम शेरिफ बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना, इसको हम शेरिफ बोलते हैं, ये वाला जो इसे पॉइंट निकला हुआ है इसको शेरिफ बोलते हैं। अगेन सेंस शेरिफ का मतलब होता है नॉट शेरिफ, तो इसमें आप देखोगे स्ट्रेट ऐसे कोई पॉइंट निकले हुए नहीं है इसमें, तो उसको सेंस शेरिफ बोलते हैं। अगेन वी हैव स्क्रिप्ट एंड हैंड राइटिंग। देन मोनोस्पेस होता है, मोनोस्पेस में हर लेटर की विड्थ सेम होती है। देन वी हैव डिस्प्ले एंड नॉट टेक्स्ट फॉन्ट, एंड नॉट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट नहीं होता है, इसमें हमारे यहाँ तो इमोजीज होंगे। हियर आई हैव प्लेस्ड नोटो म्यूजिक फॉन्ट, इसके अंदर म्यूजिक के जो सिंबल्स होते हैं, जो भी लैंग्वेज होती है वो है, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली बोलते क्या इनको, बट इसी तरह से इमोजीज के भी होते हैं या फिर आइकन्स के भी होते हैं। वो डेवलपर के लिए इजी पड़ता है कि अगर आप खुद से कस्टमाइज्ड आइकन यूज करें तो डेवलपर को हर आइकन को इंपोर्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है उसके लिए। बट अगर आप कोई नॉट टेक्स्ट फॉन्ट यूज करें जिसमें लाइक फॉन्टसम की बहुत सारी आइकन लाइब्रेरी है जो कि फॉन्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है, वो बहुत ईजी होता है डेवलपर्स के लिए यूज करना, वो उसको एज अ सिंपल टेक्स्ट की तरह यूज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन टाइपोग्राफी, लाइक लाइन हाइट, ट्रैकिंग एंड कर्निंग। ठीक है, लाइन हाइट तो देखो ये होता है, अगर आप देखें ना इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो इतनी ही है, बट आप जब कैनवस पे देखेंगे ना क्लिक करेंगे तो इसकी हाइट एक्चुअल में ज़्यादा है। एंड इसकी लाइन हाइट देखने के लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये अगर आप इसको ऑटो टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इतनी आती है, आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लाइक 88 पिक्सल। ठीक है, तो लाइन हाइट होती है वो कैनवस पे कितना स्पेस घेर रहा है, इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऊपर होते हैं लाइक, एंड कुछ कैरेक्टर्स नीचे होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनमें से पिन पॉइंट निकला होता है उस चीज़ को कवर करने के लिए, वरना वो जस्ट बिलो वाली लाइन से कोलाइड कर जाएगा। देन वी हैव ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज द स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, ये दो अल्फाबेट्स के बीच का स्पेस होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिग्मा में, इफ यू जस्ट हवर ओवर इट वी विल बी एबल टू सी इट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0% होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड जब भी आप ट्रैकिंग चेंज करें तो उसको पिक्सल में करना, परसेंटेज में देंगे तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है थोड़ा, लाइक अगर मैं इसको 1 पिक्सल की ट्रैकिंग दूँ तो इसका जो लेटर स्पेस है वो चेंज हो जाएगा। एंड देन वी हैव कर्निंग। कर्निंग इज ऑल्सो ट्रैकिंग, बट ये दो इंडिविजुअल के बीच का होता है, लाइक आपको आर और ए के बीच में स्पेस कम लग रहा है तो उसको आपको चेंज करना, तो सिंपली क्लिक हेयर देन प्रेस ऑल्ट एंड द डॉट और कॉमा टू चेंज द स्पेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो स्पेस होता है उसको कर्निंग बोलते हैं और जो ओवरऑल का होता है उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पैराग्राफ हाइट इन फिग्मा। ऑल द फिग्मा की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट अ फिग्मा वीडियो, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू, दिस इज नॉट अ वीडियो अबाउट हाउ टू यूज टाइपोग्राफी इन फिग्मा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। आई हैव टू स्क्रीन्स हियर। तो पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर यूज होती है, जैसे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स है कुछ, तो पैराग्राफ स्पेसिंग मेनली दो लाइन्स के बीच को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होती है। लाइक यहाँ पे तो बुलेट पॉइंट्स है तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, बट अगर इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं होते बट आप स्टिल पॉइंट्स को दिखाना चाहते हैं कि तीन अलग पॉइंट्स है, तो उसके लिए हम उसका पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज करेंगे। आप लाइन हाइट भी चेंज कर सकते हैं, बट उसमें सारी लाइन्स के बीच का स्पेस इक्वली चेंज होता है, हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज करेंगे ताकि जो लाइन एंड हो जाए आप एंटर करें, लाइक इफ आई प्रेस एंटर हेयर तो उसके बीच का स्पेस चेंज होगा, बट अगर वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ओवरफ्लो कर तब नहीं होता वो। ठीक है, सो दिस इज इट। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू यूज फॉन्ट इन यूआई डिजाइन एंड हाउ टाइपोग्राफी सिस्टम वर्क्स। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है फॉन्ट स्केलिंग। अगर आपको पिक्सल ग्रिड पता है तो उसी तरह से सिमिलर कुछ होता है, लाइक आप जब कोई डिजाइन बनाते हैं तो आप उसमें रैंडमली फॉन्ट साइज चूज नहीं कर सकते कि मेरा मन कर रहा है 16 पिक्सल ले लो या फिर 17 ले लो। इसमें हम फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ट्रैकिंग, कर्निंग ये सब फिक्स कर देते हैं। आई हैव अ टाइप सिस्टम ऑफ SF प्रो डिस्प्ले फॉन्ट। इसमें हमने अलग अलग फॉन्ट साइज और वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि फिक्स साइज रहें।
ठीक है ना, आपको दिखाऊँ तो सबसे छोटा साइज है 10 पिक्सल, देन 12, 14, 16। एंड हाँ, इसमें हम पिक्सल ग्रिड नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका स्केलिंग का पैरामीटर्स अलग होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये। तो आपको जब भी कोई डिजाइन बनाना होगा तो आपको इसमें से कोई साइज पिक करना होगा, आप रैंडमली नहीं पिक कर सकते, आपका मन कर रहा है 16 थोड़ा बड़ा लग रहा है तो 14 के बीच में 16 यूज कर लो, वो नहीं कर सकते, आपको फिक्स साइज ही यूज करना पड़ेगा। एंड इसमें जो नेमिंग होती है, 16 से ऊपर वाले जितने भी फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट साइज सॉरी, उनको हेडिंग से रेफर करते हैं, जो सबसे बड़ा फॉन्ट होता है उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके आगे 1 लगाते हैं। सिमिलरली बॉडी में जो सबसे बड़ा साइज है पैराग्राफ्स के लिए, या फिर ये मेनली पैराग्राफ्स के लिए यूज होता है 16, 14, 12, एंड जो 10 पिक्सल है वो हमारे नेवबार के आइकन्स के लिए यूज होता है। फॉन्ट स्केल जनरेट करें कैसे करते हैं, मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा, उसके लिए एक प्लगइन होता है और बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं। जो तुम्हारे दो फॉन्ट्स होते हैं ना, उनके बीच में मिनिमम 2 पिक्सल का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ 1 पिक्सल का डिफरेंस होगा ना, उसमें आप ज्यादा डिफरेंस देख नहीं पाएंगे। अगर आपने ऊपर 17 पिक्सल यूज कर लिया फॉर हेडिंग और नीचे 16, तो वो बहुत अजीब लगेगा, उसमें डिफरेंस नॉर्मल यूजर नहीं देख पाएगा, बट स्टिल बहुत अजीब लगता है। तो आई विल रिकमेंड कि 2 पिक्सल का डिफरेंस मिनिमम रखना है। Now let's see how you can generate this type scale in just few clicks. Now I will use a plugin to generate this type scale. For that I will go to plugins option then run this plugin. You can search this plugin. Its name style list. ठीक है, तो इसमें हमें पहले font choose करना है, कौन सा font हम use करना है। By default ये robot choose कर सकते, तो आपके system font ही उठा लेता है, like मैं Gilroy use कर रहा हूँ। एंड आपको base size set करना है कि वो जो font scaling करेगा वो किससे करेगा। मैं recommend करूँ 16 से ही करें। And then we have scaling option, like we have so many options, major, third, perfect, fourth, then we have golden ratio. But I will recommend you to stick to 1.250, which is major third. तो ये करता क्या है ना कि जैसे आपको 16 से ऊपर वाला फॉन्ट साइज चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो वो 16 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देगा, वो होगा 16 × 1.25, तो वो 20 पिक्सल्स होगा, ठीक है ना। आपको 20 से ऊपर वाला चाहिए, उसको अगेन वो 1.25 से मल्टीप्लाई कर देगा, वो होगा 25। अगेन 25 से ऊपर वाला चाहिए, तो वो होगा 1.25, तो वो 31 के अराउंड आएगा। उसमें ऑल्दो इंटीजर में है, जैसे 31.25 आ रहा है, उसके लिए एक ऑप्शन था राउंड टू इंटीजर, तो हमारे जितने भी डेसिमल वाले टर्म्स होते हैं ना, वो तो उनको एक्सक्लूड कर देता है। तो आप देखेंगे तो पहले है हमारा 16 से ऊपर है 20, 20 से ऊपर है 25, देन वी हैव 31, ये 31.5 था, बट उसने राउंड ऑफ कर दिया उसको। अगेन आप जितने भी स्टाइल्स चाहें ऐड कर सकते हैं, वैसे आपको ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, लाइक 48, 49 इनफ होता है, लाइक ज़्यादा बड़े फॉन्ट साइज की हमें सभी जरूरत पड़ेगी, लाइक 48, 49 से बड़े जो फॉन्ट साइज होते हैं, जब आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो या फिर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो उसमें, ठीक है। एंड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चाहे तो नाम डाल सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड एंटर नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसका एक शॉर्टकट तरीका है ताकि ग्रुपिंग आप ईजी से कर पाएँ। एंड बिफोर क्रिएटिंग स्टाइल्स आई हैव टू चूज द फॉन्ट वेट, वरना वो एक ही फॉन्ट वेट के साथ जनरेट कर देगा सारे, तो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसमें चूज करूँगा लाइट, रेगुलर को अनचेक करें, मीडियम एंड बोल्ड। आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ करते हैं, बट ब्लैक शायद ही आप यूज़ करें तो मत ही करना। एंड सेमी बोल्ड मैं इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि वो बहुत सिमिलर लगता है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको ये सब में करना है। After selecting the font weight, you can select the font height if you want. For now, I will skip this and just click on create 30 styles. Then वो आपके बना देगा, like I have 2 styles here, जो फोटो से मैंने पहले try कर रहा था। तो Gilroy के अंदर आप देखेंगे तो इसमें सारे fonts एक साथ दिए हुए हैं, तो इसको pairing करने के लिए आप simply पहले font को select करें, then press shift, then select the top font, और सबके size same होने चाहिए, like 10 pixel के हमने तीनों font select कर लिए, then right click and add them to a new folder, ठीक है ना। उसको आप size दे सकते हैं 10px, ठीक है, नेमिंग में ऐसे ऐसे आपको सारे फॉन्ट्स को ग्रुप कर लेना, उससे आपके लिए इजी पड़ता है। तो आप जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे ना, तो उसमें ये फॉन्ट साइज दिख जाएंगे। लाइक इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, अगर इस ऑप्शन में जाऊँ मैं, तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, लाइक ये तो अनग्रुप थे, पर जो ग्रुप वाले ना आपको प्रॉपरली इस तरह से दिख जाएंगे, लाइक Gilroy 10 पिक्सल, तो आप चूज कर सकते हैं उस टाइप से। यानी ये बहुत सरफेस लेवल चीज़ें बताई मैंने आपको, उसमें और भी बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं, बट आई विल कवर दोज थिंग इन अनदर वीडियो। एंड फॉन्ट्स को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपको मिनिमम नंबर ऑफ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। UI डिज़ाइन में आपका एक फॉन्ट से ही काम चलता था, पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपको 2 का हो सकता है, उससे ज़्यादा मत जाना, उससे कन्फ्यूजन होता है, लाइक कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। एंड जब भी आप कोई फॉन्ट चूज़ करें ना, 2 फॉन्ट पेयरिंग में, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में, UI डिज़ाइन में आप रेयरली ही 2 फॉन्ट यूज़ करेंगे, आपका एक से ही सारा काम हो जाता है। लाइक मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे आप कोई पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें 2 फॉन्ट यूज़ करें ना, तो वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे फॉन्ट है हेलो, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ रोबोटो की जगह इंटर, तो ये बहुत सिमिलर फॉन्ट्स है, तो आपको इस तरह के फॉन्ट्स पेयर नहीं करने हैं, वो उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। उसके लिए रिकमेंड करूँगा आप उसकी कैटेगरी ही बदल दें, ठीक है। लाइक अभी ये हमारे दोनों सेंसरी फॉन्ट है, अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो दे बोथ विल वर्क फाइन टुगेदर, ठीक है। या फिर कोई हैंड राइटिंग फॉन्ट लाइक दिस वन, दिस इज दिंग, तो ये दोनों आपस में काम कर जाएंगे ना। पोस्टर UI डिजाइनिंग में आप रेयरली 2 फॉन्ट यूज़ करेंगे।